अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 9 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में आज हम लेक्चर नंबर 8 के कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे, उसके कुछ टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो रहे हैं, तो आज हम इनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है, जो टॉपिक है वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं आपको बताते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर वो होता है जब आपने एक क्लास बनाई होती है, एक क्लास की जो मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स को ऑब्जेक्ट से हम उसको असेस करते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स होते हैं हम उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर फॉरवर्ड कर देते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसको कॉपी कर देते हैं, इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑल मेंबर्स ऑल डाटा कॉपी करने को, इस प्रोसेस को हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर इजी फॉर्म में तो ये था, लेकिन अब यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ है। इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन, जब एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है उस वक्त कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास बाय वैल्यू टू अ फंक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट वैल्यू को फंक्शन से पास करते हैं तो उस वक्त भी कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक कॉपी दूसरे कॉपी में फॉरवर्ड होगा, सॉरी एक एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी होगा। अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर आपने सीखना है तो मैंने लेक्चर नंबर 8 के पार्ट 2 में मैंने इसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को प्रैक्टिकली आप वहां से अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, इसके बाद इन्होंने कुछ नीचे एग्जांपल्स बनाई हुई है, जैसे ये एक पब्लिक फंक्शन में एक इन्होंने एग्जांपल बनाई है। फिर इंट में इनकी बॉडी में इन्होंने एक क्लास नेम स्टूडेंट है, जबकि उसका ऑब्जेक्ट बना है स्टूडेंट ए। फिर स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट बी के अंदर ये जो इन्होंने दूसरा ऑब्जेक्ट जो बना स्टूडेंट बी, उसके अंदर स्टूडेंट ए का जो सारे मेंबर्स है उसके अंदर फॉरवर्ड कर दिए। तो ये भी एक ये सेकंड प्रोसेस और ये सेकंड मेथड होता है एक कंस्ट्रक्टर और दूसरे कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने का, ये एक सेकंड प्रोसेस होता है। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर का ये सेंटेक्स होता है, इसको आप अच्छे से सीख लें। ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर को ये जो सेंटेक्स है ये क्लास की आउटर साइड में जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ये वो वाला इसका सेंटेक्स है, मतलब जब क्लास के अंदर ओनली जब क्लास के अंदर हम इसको करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, वो जस्ट ये स्टूडेंट कॉन्स्ट स्टूडेंट एप्सिलॉन ऑब्जेक्ट वाला ये वाला सेंटेक्स यूज होगा। लेकिन जब हम एक ऑब्जेक्ट एक क्लास से दूसरे आउटर क्लास में जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो हम स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये यूज करके इसको आउटर साइड में इसको हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, इन्होंने नीचे कुछ डिफाइन किया, इसको हम देख लेते हैं। एज वाज अ केस विद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर आल्सो जनरेट कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय इटसेल्फ। आपका जो कंपाइलर होता है वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको एग्जीक्यूट करता है। हाउएवर वी कैन ओवरराइड दैट कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय राइटिंग आवर ओन कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो इसलिए हम इस जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो जनरेट करते हैं हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। As was a case with default constructor, compiler also generate copy constructor by itself. So इस सारे केस में जो compiler constructor होता है, जो by default constructor compiler खुद generate करता है, वो copy constructor से भी हो सकता है। Or we can override that copy constructor by return over. ये same वही चीज है, वो इन्होंने भी same paragraph revise किया है, जैसे मैंने ऊपर बताया है कि जो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका होता है, जो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है, उसको हम ओवरराइड बहुत इजीली फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये सारी इन्होंने एग्जांपल्स हैं, ये बहुत इजी है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। ओके, इसके बाद थोड़ा सा नीचे देखते हैं, नीचे इन्होंने कौन सी एग्जाम्पल्स बनाई हुई है। इसके बाद है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी क्या होती है? When we initialize one object with an other, then the compiler copy state of one object to the other using copy constructor. जब एक object initialize करता है एक object से दूसरे object में, कोई ये copy constructor होता है। Copy constructor and shallow copy में कोई इतना खास फर्क नहीं है, ये बिल्कुल same ही है।
उसके बाद है डाटा मैपन वैल्यूज ऑफ प्रीवियस ऑब्जेक्ट टू न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। सो इसके जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो प्रीवियसली ऑब्जेक्ट की न्यूली न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में अपनी वैल्यूज ट्रांसफर करते हैं। जैसे एक आपने सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट के अंदर जो न्यूली ऑब्जेक्ट होगा सेकंड ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपनी सारी वैल्यूज पास कर दोगे। तो इस सारे प्रोसेस को हम शैलो कॉपी कहते हैं। शैलो कॉपी, अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को अच्छे से बहुत अच्छे से सीख लेते हो ये शैलो कॉपी आपको ऑटोमेटिकली इसका कंसेप्ट आपके जेन में आ जाएगा। तो ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है इसकी मैंने प्रैक्टिकली लेक्चर नंबर 8 में समझा दी है, तो इस लेक्चर में आपको नहीं समझा रहा। तो आप अगर आपने प्रैक्टिकली सीखना है तो डेव C++ की स्क्रीन में मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया। अगर आपने सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक के डाल दिए, तो आप वहां से सीख सकते हैं। ओके, कॉपी कंसिडर शैलो कॉपी और ये जो होती है डीप कॉपी, इसको हमने बहुत अच्छे से इसको सीख लिया है। ये सारी एग्जाम्पल्स मेन वही चीज़ है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसका प्रैक्टिकली सीख जाते हो तो ये भी आप बहुत इजीली फॉर्म में आप इसकी भी आपको इजीली फॉर्म इसकी समझ आ जाएगी। ओके, उसके बाद नीचे चलते हैं डीप कॉपी। डीप कॉपी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डीप कॉपी क्या होती है? वी राइट डीप कॉपी इन कॉपी कंस्ट्रक्टर सो दैट वन वी क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर वी आल्सो एलोकेट न्यू डायनेमिक मेमोरी फॉर डेटा मेंबर्स इन्वॉल्विंग डायनेमिक मेमोरी एज शोन बिलो। इन्होंने डीप कॉपी का ये कंसेप्ट बताया हुआ है, जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट वन की जो कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी प्रॉपर्टीज होती होगी, जब आप उसको ऑब्जेक्ट टू के अंदर अपनी सारी कैरेक्टरिस्टिक उसकी जो भी डाटा होता है उसको असेस करते हैं, तो फिर आपका न्यूली एलोकेट न्यू डायनेमिक मेमोरी एलोकेट आपका हो जाता है। तो इसको हम डीप कॉपी कहते हैं। इसके नीचे इन्होंने एग्जांपल्स भी बनाई हुई है, वो भी हम देख ले थोड़ा सा। इन्होंने इसकी जो थोड़ा सा मैं स्क्रीन थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, इसकी जो इन्होंने एग्जांपल्स बनाई हैं वो इन्होंने इंट लेंथ एंड स्ट्राइल लेंथ की यूज करके की है। ये अगर आप इसको थोड़ा सा करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको इसको समझने में। तो आप मेरी ये सजेशन है, आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को सीखें तो उससे ये भी आपका कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से इसकी आपको रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद देख लेते हैं नीचे कौन से टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स हुए जो हमने लेक्चर नंबर 8 में कवर किए हैं, लेक्चर नंबर 8 वाले ही ये सारे टॉपिक्स, इसमें कोई ऐसे न्यू टॉपिक्स नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के बारे में, इसको इनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये इन्होंने बताया इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपी कंस्ट्रक्टर के, इन केस अवर क्लास डज नॉट इन्वॉल्व डायनेमिक मेमोरी देन डिफॉल्ट कॉपी कंसिडर दैट परफॉर्म शैलो कॉपी वर्क फाइन। इन केस अवर क्लास डज नॉट इन्वॉल्व, जब हमारी क्लास से इन्वॉल्व नहीं होती डायनेमिक मेमोरी में, देन फिर डिफॉल्ट कॉपी कंसिडर परफॉर्म करती है शैलो कॉपी की तरह। सेकेंड पॉइंट है, इन केस अवर क्लास हैज एनी डेटा मेम्बर इन्वॉल्विंग डायनेमिक मेमोरी, जब वो केस होता है जब क्लास के ए केस में जब हम डेटा मेम्बर्स को इन्वॉल्व करते हैं डायनेमिक मेमोरी में, वी हैव टू राइट अवर ओन कोड इन कॉपी कंस्ट्रक्टर टू परफॉर्म डीप कॉपी। सो इस केस में जो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो डीप कॉपी परफॉर्म करना वो डीप कॉपी परफॉर्म करता है। थर्ड पॉइंट है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज नॉर्मली यूज टू परफॉर्म डीप कॉपी, जो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो नॉर्मली डीप कॉपी की तरह परफॉर्म करता है। मतलब डीप कॉपी एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर सेम प्रोसेस है इनका। फोर्थ पॉइंट है, इफ यू डू नॉट मेक अ कॉपी कंसिडर देन द कंपाइलर परफॉर्म शैलो कॉपी, जब आप कॉपी जब एक कंपाइलर कॉपी कंसिडर परफॉर्म नहीं करता वो कॉपी नहीं करता, तो फिर शैलो कॉपी वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, शैलो कॉपी वाला जो प्रोसेस होगा वो यूज होगा। फिफ्थ पॉइंट है, शैलो कॉपी परफॉर्म बिट वाइज कॉपी, शैलो कॉपी हमेशा बिट वाइज कॉपी परफॉर्म करती है। उसके बाद है डिस्ट्रक्टर के बारे में, इन्होंने बनाया डिस्ट्रक्टर इज यूज टू फ्री मेमोरी दैट इज एलोकेटेड थ्रू डायनेमिक एलोकेशन। डिस्ट्रक्टर अगर मैं आपको इसका इजी फॉर्म में बताऊं,
आपको पता है कंस्ट्रक्टर हमेशा वैल्यूज को इनिशियलाइज, और जब आपको उसका कंस्ट्रक्टर जब एक ऑब्जेक्ट बन जाता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो कुछ मेमोरी में जाएगा, कुछ वो अपनी मेमोरी गेन करेगा, मतलब कुछ मेमोरी में कुछ एक हिस्सा वो अपना लेगा। तो डिस्क्रिप्टर इसके इनवर्स यूज हुए। अगर आप कंस्ट्रक्टर के साथ जब भी आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे, अगर आप कंस्ट्रक्टर के साथ अगर आप ये वाला साइन यूज कर लेते हो, अगर ये वाला साइन आप यूज कर लेते हो, तो वो जो डायनेमिक में मतलब वो जो मेमोरी गेन करेगा वो उस मेमोरी को फ्री कर देगा, मतलब उस मेमोरी को वो गेन ही नहीं करेगा। डिस्ट्रक्टर उसके उल्टे एग्जीक्यूशन है इसके। ओके, इसके सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टर इज यूज टू परफॉर्म हाउसकीपिंग ऑपरेशन। डिस्ट्रक्टर इज थर्ड पॉइंट है, डिस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन विद द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। डिस्ट्रक्टर जैसे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है, तो इसी तरह जो हमारा डिस्ट्रक्टर है इसका भी जो क्लास नेम और डिस्ट्रक्टर नेम सेम होगा, जिस तरह कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है। बट प्रीसीडेड विद द साइन, मतलब ये लेकिन उसके साथ हम ये वाला साइन यूज किया, जैसे मैंने आपको इसका पहले आपको बता दिया। इसके इन्होंने एग्जाम्पल्स बनाई, ये देखें इन्होंने एक कंस्ट्रक्टर सबसे पहले बनाया है, तो उसके साथ इन्होंने डिस्ट्रक्टर वाला साइन यूज कर लिया, तो इस तरह ये मेमोरी में ये नेम गेन नहीं करे, मतलब सॉरी मेमोरी में ये अपना जो पार्ट्स और जो ये स्पेस यूज करेगा वो उसको थोड़ा सा फ्री कर देगा। ओके, ओवरलोडिंग डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडिंग। डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, जैसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर सकते थे तो इस, लेकिन डिस्ट्रक्टर में हम इसको ओवरलोड ही नहीं कर सकते। ओवरलोड क्या होता है, जब आपके सेम नेम के कंस्ट्रक्टर हो तो उसको उसको उस प्रोसेस को हल करने के हम ओवरलोड करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज के अंदर कुछ चेंजिंग करके, तो उसको हम ओवरलोड कहते थे। जबकि इसका दूसरा एक थर्ड टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ कॉल्स। सीक्वेंस ऑफ कॉल्स क्या है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। जैसे कंस्ट्रक्टर जब एक ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो, उसी वक्त ऑटोमेटिकली वो जनरेट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो डिस्ट्रक्टर का भी सेम प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टर जब आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर आर कॉल इन द सीक्वेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर। कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है एक सीक्वेंस में, जब जैसे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है स्टेप बाय स्टेप, ये सीक्वेंस किफ में स्टेप बाय स्टेप ये एग्जीक्यूट होगा। डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इन रिवर्स ऑर्डर, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है ये रिवर्स ऑर्डर में ये इसको समझ लीजिए ये एग्जीक्यूट होता है। ओके गाइस, इसके बाद एक असेसर फंक्शन है। असेसर फंक्शन क्या होता है, असेसर फंक्शन में हमारे पास है दो मेन चीजें हैं, दो मेन हम फंक्शन इसमें यूज करते हैं, जिसमें जब सबसे पहले एक सेटर फंक्शन होता है, जबकि उसके बाद एक दूसरा फंक्शन होता है गेटर फंक्शन। सेटर फंक्शन एंड गेटर फंक्शन, ये जो दो फंक्शन होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल लेट्स सपोज आपके लिए दो क्लासेस हमारे पास, एक एक क्लास क्लास ए के अंदर जो भी हमने फंक्शन है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो उस सारे फंक्शन सारे जो भी डाटा है क्लास ए का वो क्लास बी के अंदर पास चला गया, लेकिन इनहेरिटेंस किए बगैर, क्योंकि इनहेरिटेंस के तो हम अपनी सारी प्रॉपर्टी सारे जो भी डाटा दूसरी क्लास के अंदर कर लेते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ ये फंक्शन की हेल्प से हो, फंक्शन हमको हम यूज करें, जैसे हम इंट वाले दूसरे फंक्शन यूज करते हैं, सामो वाला फंक्शन बनाते हैं, फिर एड सब्ट्रैक्शन है, इसे छोटे छोटे फंक्शन बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना के हमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में यूज करते थे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन बने जबकि क्लास ए के अंदर जो फंक्शन बने वो उसको मैं क्लास बी के अंदर यूज करूँ, क्लास बी के अंदर यूज करूँ, तो उसके लिए मुझे सेटर और गेटर फंक्शन यूज करने हैं। सेटर और गेटर फंक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए ये जो दो पॉइंट है सेटर एंड गेटर फंक्शन, इनको हम इनशा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं इनको कवर करवाऊंगा, तो फिर ही हम लेक्चर नंबर 10 आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, असेसर फंक्शन इसकी भी आपको समझ आ गई है, इसके अंदर हम एक क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम दूसरे मेंबर्स दूसरी क्लास के अंदर हम यूज करते हैं, तो उसको हम असेसर फंक्शन कहते हैं, असेसर फंक्शन। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए
जो एक क्लास होती है दूसरे क्लास के अंदर हम उसको यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। एक क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं हम उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने सेटर और गेटर फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे और देखेंगे कि सेटर और गेटर फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, अब इसके बाद है एक टॉपिक है दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस पॉइंटर में क्या होता है? दिस पॉइंटर में जैसे आपको वो कंसेप्ट से पता है पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर मीन पॉइंट करना है। तो पॉइंटर वाले टॉपिक को हमने CS2 में काफी अच्छे से सीखा था। अगर आपको पॉइंटर अगर टॉपिक आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक मौजूद है, तो इसको भी आप सीखें अभी। तो पॉइंटर में हमने क्या करना, पॉइंटर में हम क्या करते हैं, पॉइंटर में हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं पॉइंटर के अंदर। लेकिन अगर मुझे अगर मैं चाहता हूं कि जो जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लेट्स वो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट्स ना बने हुए तो मैं आपको यहाँ से एक बताता हूँ। लेकिन ये देखें, ये यहाँ पे एक दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सब मैं ऊपर कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये देखें एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है हमारे पास, क्लास नेम। जबकि हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, S1, S2, S3। अगर मैं चाहता हूँ ये जो S1 वाला जो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसका एड्रेस लेना है मेमोरी में, मेमोरी में इसका एड्रेस क्या होता है, अगर मुझे इसका एड्रेस लेना है मेमोरी में, तो इसके लिए मैं दिस पॉइंटर वाला कंसेप्ट यूज करूंगा। अब दिस पॉइंटर वाला कंसेप्ट में क्या आता है, दिस पॉइंटर में आपको यहाँ से सिखाता हूँ। लेट्स सपोज आप ये समझ लें कि हमारे पास है एक ऐसे उसकी वैल्यू है 12, एक ऐसे उसकी वैल्यू है 12। अब मुझे ये जो ऐसे ये आप कंसीडर कीजिए, इसका एक ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का, इस वेरिएबल का मुझे अगर अगर इसका एड्रेस मुझे गेट करना है, अगर इसका मुझे एड्रेस लेना है, तो इसके लिए मैं दिस ये कीवर्ड है दिस, इसको मैं इस प्रोसेस में लिखूंगा दिस एरो एस, दिस एरो एस। अगर मैं ये प्रोसेस लिखूंगा तो ये आपका फंक्शन एड्रेस लेगा। इस जबकि इसका सेकंड मेथड होता है, इसके साथ हम स्टैटिक यूज करें, दिस के साथ, दिस वर्ड के साथ स्टैटिक वर्ड यूज करें और डॉट एस लिखें। डॉट एस लिख के हम इस तरह भी इसको ले सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल अगर आपको मैं प्रोग्राम बताऊं, मैंने ऑलरेडी इसका प्रोग्राम कोड किया हुआ है, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम कोड कर लिया। इसको मैं आप यहाँ से आपको समझाता हूँ कि अब हमने इसमें क्या करना है। लेट्स सपोज आप समझ लें, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर मैंने कुछ प्राइवेट मेम्बर्स लिए हैं इन टाइम, जबकि पब्लिक के अंदर मैं आया, पब्लिक में कुछ मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, सॉरी पैरामीटराइज एक फंक्शन बनाया, मैंने पैरामीटराइज एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने पैरामीटर लिया एम नेम का, एम नेम का मैंने एक पैरामीटर लिया, ये मैंने पैरामीटर लिया और इसको मैंने 12 वैल्यूज ऊपर पास की, ऑब्जेक्ट बना के मैंने इसको 12 वैल्यू इसको ऊपर पास की। जबकि फिर प्राइवेट के अंदर, जैसे मैंने प्राइवेट में क्या मेंबर लिया था एम, अगर ये एम और सेम एम अगर हम यहाँ में यूज करें तो ये इसका क्या मीनिंग, मतलब इस एम के अंदर ये जो दो वैल्यू, ये जो वैल्यूज ऊपर हमसे आई 12, इसका ये मतलब है कि ये वैल्यू इस 12 को इनिशियलाइज कर दे, इस 12 को अपनी वैल्यूज पास कर दे। ओके, इसके बाद मैंने दूसरा फंक्शन बनाया, एक और फंक्शन बनाया जी नेम का, एक सिंपल सा फंक्शन बनाया। अब मैंने यहाँ पे किया सी आउट, फिर ये प्रोसेस किया दिस स्टेरी दिस डॉट एम, स्टेरी दिस डॉट एम यूज करके मैंने देखा कि क्या इसकी एम की वैल्यू सेम आ रही है मेरे पास या नहीं आ रही। फिर मैंने नीचे दोनों कैसे दोनों वैल्यू यूज की। ओके, अब एंड में मैंने क्या किया, इंट मेन के, इंट मेन में मैंने एक क्लास बनाई, सॉरी क्लास नेम यूज किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने इसको बेशक हम इसको डिलीट कर क्योंकि कमेंट से ऑलरेडी किया हुआ है। फिर ये मैंने जो इसका एक फंक्शन बनाया था AL नेम का, AL नेम का ये जो हमने फंक्शन बनाया था, इसके अंदर मैं ये M के अंदर जो मैंने वैल्यूज यहाँ से पास की थी, इसको मैंने यहाँ से 12 के अंदर यहाँ से मैंने इसको फॉरवर्ड किया, पास किया।
तो उसके बाद फिर मैंने ये जी वाले फंक्शन, इसको मैंने कॉल कॉल करवाई ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ये नीचे डॉट यूज करके, ये डॉट यूज करके मैंने इसको कॉल किया। अब मैं अगर इसको F11 से कंपाइल एंड रन करूँ तो देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आता है, उसको हम चेक कर लेते हैं। देखें मैंने इसको किया, इसकी वैल्यू 0000 इसकी वैल्यू आई। मतलब इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि इसका जो एड्रेस है, इसका जो एड्रेस है वो इसका जीरो है। वो इसलिए है, अगर मैं प्राइवेट के अंदर एम लूँ और पैरामीटराइज फंक्शन में भी अगर मैं इसको एम लूँ, मतलब सेम नेम की दो चीज़ें लूँ और एम इस यहाँ भी मैं एम लिखूँ, मतलब जिसके अंदर मैंने ये एम वाली वैल्यू, ये जो मेरे पास 12 वैल्यूज आई थी, अगर मैं इसको भी यहाँ से एम लिखूँ तो ये आपका एरर आएगा। मतलब ये कंपाइलर समझेगा नहीं कि इसमें हमने करना क्या, मतलब सेम नेम की सारी चीज़ें आ गई हैं, सेम नेम एम 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 हो गया, इसके कुछ समझ नहीं आ रही कंपाइलर को, इसकी समझ नहीं आ रही कि मैंने इसका क्या इसका इसको क्या सॉल्व करना है, क्या मैंने इसको इसका एड्रेस बनाना है या इसको सिंपल फॉर्म में करना है। तो इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें यूज करते हैं दिस पॉइंटर एड्रेस के लिए भी यूज होता है और इस प्रोसेस के लिए भी यूज होता है। अगर इस प्रॉब्लम को अगर रिमूव करना है, खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा दिस, फिर एरो यूज करूंगा, एरो एरो करके आगे एम लिखूंगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ अब इसका क्या आंसर आता है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, F11 से कंपाइल एंड रन किया, देखें इसका आंसर आ गया 12। मतलब जो मैंने वैल्यूज नीचे से पास की वो सेम वैल्यूज अब यहाँ से आ गई। दिस पॉइंटर का सेम इसका एक प्रोसेस ये होता है, इसका एक कंसेप्ट ये होता है, अगर आप प्राइवेट के मेंबर्स सेम लें और जो पैरामीटराइज जो आपका फंक्शन होगा उसका नेम सेम रखें, तो इस प्रॉब्लम को हटा, इसके आपकी ये प्रॉब्लम आएगी कि कंपाइलर समझेगा, अंडरस्टैंड ही नहीं कहेगा आपके प्रोग्राम को कि इसमें हुआ क्या, इसमें हमने करना क्या। तो इस प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हम दिस पॉइंटर यूज करेंगे, इसके साथ दिस ही यूज करेंगे। दिस एक यहाँ पे कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है, जो ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं, जैसे क्लास के अंदर हमें ये क्लास वर्ड यूज करते हैं, तो ये क्लास एक कीवर्ड है। जैसे हम इफ स्टेटमेंट में इफ यूज करते हैं, एल्स में एल्स यूज करते हैं, फॉर लूप में फॉर यूज करते हैं, वाइल में वाइल लूप वाइल कीवर्ड यूज करते हैं। तो इसी तरह दिस के अंदर हम, दिस पॉइंटर के अंदर हम ये वाला दिस कीवर्ड यूज करेंगे और पॉइंटर को असेस करने के हम ये एरो साइन यूज करते हैं। तो इसका ये सेम जस्ट इसका ये कंसेप्ट था जो मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसका समझाना था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसका देखें तो इसकी थ्योरी में भी जस्ट ये सेम प्रोसेस यही इन्होंने बताया भाई, को आप भी इसका यही अपने जहन में रखें कि दिस पॉइंटर क्यों यूज होता है। यहाँ से इसके कुछ पॉइंट्स, इसको हम देख लेते हैं। एड्रेस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज पास टू द कॉलिंग फंक्शन, हम हमेशा हर ऑब्जेक्ट का जो इसका एड्रेस होगा वो हम कॉलिंग फंक्शन से इसको पास करेंगे। उसके बाद है दिस एड्रेस इज डी रेफरेंस बाय द फंक्शन, इसका जो एड्रेस होता है वो डी रेफरेंस होता है फंक्शन, एंड हेंस दे एट ऑन करेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये करेक्ट ऑब्जेक्ट से पास कर। जैसे ही देखें हमने पहले इसको किया था, जब मैंने इसको नहीं था किया, अगर मैं अभी भी इसको खत्म करूं, ओनली एम इक्वल टू एम करने को 00 हमारा आंसर आया था, 00 मतलब 0 रेफरेंस पे हमारा वो वैल्यू पर ही, 0 रेफरेंस सॉरी 0 लोकेशन पे, 0 एड्रेस पे, उसका एड्रेस 0 है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो 0 ना आए बल्कि सेम जो इसका वैल्यू है वो इसकी आए, तो इसके लिए मुझे ये दिस वाला ये जो कंसेप्ट है ये यूज करना पड़ा मुझे। ओके वापस रिटर्न आते हैं। उसके बाद है दिस पॉइंट में मजीद कुछ पॉइंट्स है, फंक्शन स्पेस इज कॉमन फॉर एवरी वेरिएबल, जो फंक्शन इसकी स्पेस होती है वो कॉमन होती है हर वेरिएबल के लिए। व्हेन एवर अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेमोरी इज रिजर्व फॉर वेरिएबल, जब हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेमोरी रिजर्व कर मेमोरी को यूज करते हैं। प्रीवियसली डिफाइंड फंक्शन आर यूज टू ओवर एंड ओवर अगेन, जो उसके पहले फंक्शन होते हैं वो उसको ओवर करते हैं, ओवर मीन उसको थोड़ा सा उसकी स्पेस को थोड़ा सा गेट ये करेगा, थोड़ा सा ये गेन करेगा। तो इसके नीचे भी इन्होंने ये बताया, जैसे ये S1 एक ऑब्जेक्ट है, S2, S3, S4,
इसने भी एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये इसने इन्होंने स्पेस ली हुई है, कुछ एक फंक्शन की इन्होंने स्पेस ली हुई है। तो यही दिस पॉइंटर है, यही मेन कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंटर में जो नेक्स्ट है इसका टॉपिक है दिस पॉइंटर का, जो लेक्चर नंबर 10 है इसमें भी इन्होंने पॉइंटर किया हुआ है। तो नेक्स्ट में हम इसको पॉइंटर को और सेटर एंड गेटर फंक्शन डिटेल में इसको सीखेंगे कि क्या होता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।